हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 8। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मीन्स इन दिस सब्जेक्ट यू विल हैव टू एग्रीमेंट ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू वर्ब ऑफ सब्जेक्ट। किसका एग्रीमेंट करना है? मीन्स यू विल एग्रीमेंट ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मीन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू विल हैव टू यूज ऑफ वर्ब। यू विल हैव टू रिमेंबर इट। इफ देयर इज गिवन सिंगुलर सब्जेक्ट यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। If there is given plural subject, you will have to plural verb. Now look, some sentences are given here. Read the following sentences carefully. Rita is a good girl. In this sentence, subject is Rita and verb is. Means Rita is singular verb, so you will use of singular verb also. Okay, Rita is singular subject, so you will use of singular verb also with Rita, because Rita is singular. Next, Rita and Meena. Now look, two singular subjects are connected by and, so you will use always plural verb. Listen, rule number 2, if there will be given two singular subjects and they will be connected by and, so you will have to use always plural verb. So you can see here, Rita and Meena are good girl, not is will be wrong. ओके, तो यू विल हैव टू लर्न दिस रूल कि वी शुड यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। नेक्स्ट रूल, इफ देयर आर गिवन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स यू विल हैव टू यूज ऑलवेज प्लूरल वर्ब एंड दे आर कनेक्टेड बाय एंड। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं और वो एंड से कंबाइन हैं, तो आगे आने वाली वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो आगे देखते हैं, इफ द नाउन आर प्रोनाउन सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। मीन्स यदि नाउन आर प्रोनाउन बोथ, देर आर गिवन सिंगुलर नाउन आर प्रोनाउन, यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। देर आर गिवन प्लूरल सिंगुलर प्लूरल नाउन आर प्रोनाउन, यू विल यूज प्लूरल वर्ब। इफ इट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो दिस इज योर फर्स्ट रूल। नाउ लुक, सम सेंटेंसेज आर गिवेन हियर। आई एम अ गुड गर्ल, तो आई इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सो यू विल यूज आई एम हेल्पिंग वर्ब विद आई। यू आर अ गुड गर्ल, तो इन दिस सेंटेंस यू इज सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सो यू इट इज यूज एज अ प्लूरल, सो यू विल यूज आर। शी इज अ गुड गर्ल, तो शी इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इट इज यूज एज अ सिंगुलर नंबर, सो यू विल यूज सिंगुलर वर्ब आल्सो। ओके, तो चलिए कुछ देखते हैं। यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर में रूल्स गिवेन हैं। अब क्या है, द वर्ब इन ईच सेंटेंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस रूल। दिस रूल, ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल। मीन्स इन सभी पार्ट का सेंस यही है कि यू विल यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, नाउ लुक, पॉइंट्स टू रिमेंबर। इन द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस ही शी इट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब इट ऑल द टेंसेज। मीन्स यदि ही है, शी है, इट है, तो यू विल हैव टू यूज ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। यू नो स्टूडेंट्स, लिव्स इज सिंगुलर वर्ब, लव्स इज सिंगुलर वर्ब। मीन्स व्हेन यू विल ऐड यस, ई एस आर आई ई एस विद द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट चेंज इन टू सिंगुलर वर्ब। जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस, ई एस या फिर आई ई एस ऐड कर देते हैं तो वर्ब क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है, जस्ट अपोजिट ऑफ नाउन। ओके, यू कैन सी हियर। नाउ लुक, द थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे टेक्स अ प्लूरल वर्ब इन ऑल द टेंसेज। जो दे होता है वो प्लूरल यूज होता है थर्ड पर्सन में, तो इसके साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, दे हैव प्रेजेंटेड, दे आर रीडिंग। ओके, नेक्स्ट इज द सेकेंड पर्सन यू, ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब इन ऑल द टेंसेज इवन इफ इट रिफर्स टू अ सिंगल पर्सन। यू हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होगी इसके साथ में, भले वो किसी एक ही पर्सन के लिए यूज किया जा रहा हो। जैसे यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, तो यहाँ पर किसके लिए है? एक के लिए है, बट यू के साथ आर। यू आल आर इन्वाइटेड टू द पार्टी, तुम सभी लोग पार्टी में इन्वाइट हो, तो यहाँ पर यू किसके लिए यूज़ हो रहा? सभी के लिए यूज़ हो रहा, तब भी यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप? आर का ही यूज़ करेंगे। तो मीन्स ऑलवेज यू विल हैव टू यूज प्लूरल वर्ब विद यू। ओके, सो नाउ लुक, नेक्स्ट रूल स्टूडेंट्स। द फर्स्ट पर्सन वी टेक्स अ प्लूरल वर्ब इन ऑल द टेंसेज। मीन्स वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो ऑलवेज यू विल हैव टू यूज प्लूरल वर्ब विद वी। वी आर रिलैक्सिंग नाउ। आई द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर टेक्स अ सिंगुलर वर्ब विद आई एम, आई एम गोइंग एंड वॉज। ठीक है, मीन्स आई के साथ हम आई एम और पास्ट में वॉज का यूज करते हैं। आई टेक्स अ प्लूरल वर्ब व्हाइल सेइंग आई गो
फॉर आई हैव लेफ्ट, आई के साथ प्लूरल वर्ब भी आता है, जैसे जब कहना होता है कि मैं जाता हूँ, आई हैव लेफ्ट, मैं छोड़ चुका हूँ, तो आई के साथ हैव भी आई के साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई एम स्विमिंग, आई हैव फिनिश्ड मेकिंग द पोस्टर, तो आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्ब बी कैन बी यूज्ड एज इज, एम, आर, वाज एंड वर। वर्ब हैव मे बी यूज्ड एज हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव। कलेक्टिव नाउंस यूजली टेक अ सिंगुलर वर्ब, जो कलेक्टिव नाउंस होते हैं विद देम ऑलवेज यू विल हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। जैसे दिस टीम ऑफ प्लेयर, तो टीम इज कलेक्टिव नाउन, यू विल यूज इज। अ बंच ऑफ रोजेस, तो बंच, अ बंच, एक समूह है, किसका, रोजेस का, तो इज, यू विल हैव टू यूज ऑफ इज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट रूल्स ऑफ दिस चैप्टर। मोर पॉइंट्स टू रिमेंबर वंस अगेन गिवन हियर। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स, स्टूडेंट्स लिसन वेरी केयरफुली अबाउट दिस रूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। दे शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल इन अ सेंटेंस, मीन्स आप सब्जेक्ट और वर्ब को हमें क्या करना है, पास पास यूज करना है, सिंस देयर इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, क्योंकि एग्रीमेंट हमें किसके बीच में करना है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। सेंटेंस दिया हुआ है, शी लव्स रीडिंग स्टोरीज, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, शी है, वर्ब क्या है, लव्स है, और दोनों किसके अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हुआ है। वर्ब क्या है, सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, तो लव्स भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ओके, तो ऐसे आप यूज करेंगे। इन सम सेंटेंसेज द सब्जेक्ट मे नॉट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर बिल्कुल उसके पास में, वर्ब के पास में सब्जेक्ट नहीं होता। व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज अ सब्जेक्ट, कब नहीं होता है, जब सब्जेक्ट के रूप में एक पूरा ग्रुप गिवन होता है, है ना, जैसे दिया हो अ नॉटी गर्ल या कुछ ऐसा दिया हो, एक ग्रुप में आ जाए सब्जेक्ट, द मेन वर्ड इज एक्चुअली द सब्जेक्ट, तो उसमें जो मेन वर्ड होगा वही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। Therefore, the verb should agree with this word and not with anything else in the place phrase. तो verb जो आगे use होगी वो उस सब जो main word है उसी के according आप verb का use करोगे, ना कि और word जो दिए होंगे उसमें group में उसके according। जैसे sentence दिया हुआ है, the long fairy tales that she narrated were interesting। अब देखिए यहाँ पे इतना subject है, the long fairy tale that she narrated, तो यहाँ but main word क्या है, fairy tales, जिसके बारे में बताया जा रहा है, fairy tales, तो fairy tales is plural, so you will use always plural word। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर fairy tale subject है, according to fairy tales you will have to use up subject, तो fairy tales क्या है, plural है, तो plural verb use करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रोकन चेयर्स केप्ट आउटसाइड वर, तो ब्रोकन चेयर्स, कुर्सियाँ, प्लूरल है, यू विल यूज प्लूरल वर्ब, क्लियर। नेक्स्ट इज, व्हेन देयर इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज एज सब्जेक्ट, द मेन वर्ड एक्ट्स एज द सब्जेक्ट, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हो तो उसमें जो मेन वर्ड है वही क्या काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, माई फ्रेंड्स हु आर फन लविंग वॉन्ट टू गो आउट फॉर अ मूवी विद यू, तो माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इफ देयर इज गिवेन अ सब्जेक्ट इन अ ग्रुप, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट द हेड वर्ड, मेन वर्ड, मींस आफ्टर इट यू विल हैव टू यूज द वर्ब अकॉर्डिंग द मेन वर्ड, आपको फिर मेन वर्ड के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक नेक्स्ट रूल, व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद द वर्ड देयर, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप लोग इसको बहुत अच्छे समझिएगा। व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद द वर्ड देयर, ये कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, देयर से, द नाउन प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, और जो नाउन का प्लेस होता है वो कहाँ होता है, वर्ब के बाद में, इज द एक्चुअल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो वास्तव में वही क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। मीन्स यदि कोई सेंटेंस गिवन है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, देयर से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद जो नाउन आता है, तो वास्तव में वही नाउन क्या होगा, जो वर्ब के बाद होगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर इज अ पैरेट, तो यहाँ पर देयर आ गया ना स्टार्टिंग में, उसके बाद वर्ब आ गया, फिर अ पैरेट आया, तो वास्तव में यहाँ सब्जेक्ट क्या है, अ पैरेट है। There is a parrot in the cage. तो verb क्या है, is, parrot क्या है, subject. तो there क्या है, there introductory subject है. And the actual subject in this sentence is parrot. The word there is a preparatory or introductory subject. हाँ, आप लोग ये याद रखेंगे, ये क्या दिया हुआ है, introductory subject है. The subject of parrot is singular. अब यहाँ parrot क्या है, singular है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया था, singular verb आई, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, देयर आर प्लांट्स
इन द बालकनी। तो बात किसकी कर रहा है, प्लांट्स की। तो प्लांट्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लूरल वर्ब आ गया। तो ये बच्चे आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स टू रिमेंबर में गिवन है, कुछ रूल्स, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नाउन्स डिनोटिंग फूड, अब देखिए इसको लर्न करिएगा आप सब लोग। जो नाउन ऐसे होते हैं जो फूड को रिफर, क्लॉथ, फर्नीचर एंड स्टेशनरी आर सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर, ये सभी हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर का सेंस रखते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। जैसे द फर्नीचर इज पॉलिश्ड, आप कभी नहीं लिखोगे द फर्नीचर आर पॉलिश्ड या द फर्नीचर्स आर पॉलिश्ड, इट कैन नॉट बी राइट, ये नहीं लिखा जा सकता। सो ऑलवेज यू राइट फर्नीचर, ऑलवेज यू राइट स्टेशनरी, नॉट स्टेशनरीज। व्हेन अ लॉट ऑफ प्लेंटी, दूसरा रूल देखिएगा, व्हेन अ लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ इज यूज इंडिकेट क्वांटिटी, जब अ लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी को शो करते हैं तो ऑलवेज यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। बट जब यही अ लॉट ऑफ और प्लेंटी जब नंबर को शो करने लगते हैं तो वहां पर क्या आ जाता है, प्लूरल वर्ब आ जाता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए दिया है अ लॉट ऑफ कॉफी, तो कॉफी क्या है, यहाँ पर क्वांटिटी शो कर रही, तो हैज आ गया। प्लेंटी ऑफ सुगर, सुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। क्वांटिटी बता रहा है तो इज आ गया, ठीक है। मींस अनकाउंटेबल नाउन है, जो क्वांटिटी बताते हैं उनके साथ जब ये वर्ड आते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। बट व्हेन अ लॉट ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ आर यूज फॉर नंबर, लेकिन जब ये नंबर को रिफर करते हैं तो बोथ टेक प्लूरल वर्ब, तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा, प्लूरल। जैसे अ लॉट ऑफ बॉयज, बहुत ज़्यादा लड़के आर, प्लूरल आ गया। प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स आर, फ्रेंड्स क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, आर आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो वर्ड कौन से हैं, अलॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ। नेक्स्ट रूल इज न्यूज़ इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। न्यूज़ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज जैसे दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है, तो आप दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज के बारे में बता रहा है, दिस का यूज करोगे। या फिर दिस न्यूज इज ट्रू, तो दिस न्यूज इज ट्रू, ये न्यूज क्या है, सही है, तो न्यूज के साथ आप आर का यूज नहीं कर सकते, ऑलवेज यू हैव टू यूज ऑफ इज। वन ऑफ, अब देखिए यहाँ एक वर्ड गिवेन है, वन ऑफ इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ के बाद हमेशा क्या होता है, सिंगुलर की वर्ब की सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर वर्ब ही किसके साथ यूज होती है। जैसे वन ऑफ द गर्ल्स मीन्स क्या हुआ, लड़कियों में से एक इज नोन टू मी, मुझे जानती है, यहाँ सभी लड़कियाँ नहीं जानती हैं, क्या कह रहा है कि वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से एक, तो एक की बात कर रहा है तो इज आ जाएगा। वन ऑफ द बुक्स, किताबों में से एक इज टॉर्न, क्या है, फटी हुई है, तो वन ऑफ जब आ जाता है तो हमेशा उसके बाद क्या आता है, सिंगुलर वर्ब का यूज हम करते हैं। ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं, इफ देयर आर टू सब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा कि इफ देयर आर टू सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस द वर्ब विल बी प्लूरल। ये दो सब्जेक्ट आए हुए हैं, पहले भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था रूल के, कि ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और वो एंड से जुड़े हैं, उनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा क्या होगी, प्लूरल होगी। जैसे आदित्य एंड विक्रम आर, देखो प्लूरल आ गया, आदित्य और विक्रम अलग अलग दो नाउन हैं, सिंगुलर हैं, तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इफ द टू सब्जेक्ट्स आर एग्रीड रिगार्डेड एज वन, लेकिन दोनों सब्जेक्ट जब किसी एक की ही बात करेंगे तो वर्ब विल बी सिंगुलर, तो वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैं बट उनका सेंस एक निकल रहा है, तो आगे आने वाला वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इस रूल के। स्टूडेंट जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, ब्रेड एंड बटर इज आइडल फॉर ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर दो वर्ड हैं बट दोनों रिफर किसको कर रहे हैं, एक को, ठीक है। निडल एंड थ्रेड, सुई और धागा दो हैं बट ये रिफर किसको कर रहे हैं, किसी एक को, तो ये ऐसा सेंस दिया होगा, जैसे हॉर्स एंड कार्ट, घोड़ा और गाड़ी, कुछ ऐसा सेंस दिया होगा, तो इनके बाद हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। ओके नाउ लिसन नेक्स्ट रूल, लिसन वेरी केयरफुली अबाउट दिस रूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। और स्टूडेंट्स यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको सारे वीडियोज आसानी से मिल सकें। इफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर सेपरेटेड, ये सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग हैं, बाई अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, तो हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे द मैन इन अ ब्लू शूट,
जो आदमी किस में है, एक ब्लू सूट में है, इज माई फादर्स फ्रेंड है, तो मैन की बात कर रहा है ना। आगे कुछ भी दिया हो तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे सिंगुलर का, क्योंकि सिंगुलर है। दिस वाटरफॉल, ये वाटरफॉल विद गसिंग वाटर, गिरते हुए पानी के, तो कोई मतलब नहीं है इसे, हमें वाटरफॉल को देखना, यहाँ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे। ओके, व्हेन द नेम ऑफ अ कंट्री, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। जब कोई किसी कंट्री का नाम हो, बुक का नाम हो, फिल्म का नाम हो, इज डिनोटेड इन अ प्लूरल नाउन, जो किसमें गिवन हो, प्लूरल सेंस दे रहा हो, इट इज यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब, लेकिन इसके साथ हमेशा क्या होगी, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस दिया है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसा लग रहा है कि प्लूरल है, बट इसके साथ में हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द यूनाइटेड किंगडम हैज लॉन्च्ड अ न्यू मिसाइल इन स्पेस, तो यूनाइटेड किंगडम एक क्या दिया हुआ है, यूके मीन्स एक कंट्री का नाम दिया हुआ है, बट इसके साथ आप हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। तो द यूनाइटेड किंगडम हैज लॉन्च्ड अ न्यू मिसाइल इन स्पेस। नेक्स्ट रूल दिया है कि पीपल, पुलिस एंड कैटल आर कंसीडर्ड एज प्लूरल, दे टेक प्लूरल वर्ब, मीन्स यदि इफ देर आर गिवेन दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंस, तो आफ्टर दीज वर्ड्स यू विल हैव टू यूज प्लूरल वर्ब ऑलवेज, बिकॉज दे दीज वर्ड्स रिफर टू द प्लूरल, ये सेंस किसका रखते हैं, प्लूरल का रखते हैं, जैसे पीपल है, लोग, पुलिस एंड कैटल जानवर, इन ये प्लूरल का सेंस देते हैं, इसीलिए इनके साथ भी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे आप। एज एग्जाम्पल द कैटल वर टेकन टू द मेडोज, आपके एग्जाम में कैसे पेपर देगा, पेपर में आपके कैसे क्वेश्चन पूछेगा, द कैटल वॉज टेकन, तो आप क्या कर दोगे, वॉज को कट करके वहां पे राइट कर दोगे वर, ठीक है, या फिर राइट कर देगा कैटल हैज, तो आप क्या करोगे, हैज को हटा के वहां क्या कर दोगे, हैव कर दोगे, तो ये आपको ध्यान रखना, या फिर राइट कर देगा कैटल इज, कैटल इज वांडरिंग हेयर एंड देयर, तो आप क्या करोगे, या फिर ये मिस्टेक कर सकता है, लिख देगा कैटल्स, तो कभी कैटल्स नहीं होता, हमेशा क्या होता है, कैटल होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। पीपल, कभी पीपल्स नहीं होता, पीपल के बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, कभी पीपल्स नहीं होगा, पीपल के बाद इज मीन्स सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होगी, प्लूरल वर्ब, तो ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि आपको करेक्ट करना होगा। नेक्स्ट रूल, व्हेन अ प्लूरल नंबर इज यूज फॉर डिस्टेंस, जब कोई प्लूरल नंबर डिस्टेंस के लिए, वेट के लिए, अमाउंट्स के लिए और मनी के सेंस में हो, तो हमेशा इसके साथ क्या होता है, सिंगल फिगर ऑफ क्वांटिटी, इट इज कंसीडर्ड सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, हमेशा इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। जैसे 3 years इज अ लॉन्ग टाइम, तो इज अ लॉन्ग टाइम है तो 3 year, बट किसका यूज किया, इज का। 5 years वॉज अ ब्रीफ पीरियड ऑफ अप्स एंड डाउन्स फॉर हर, 5 years वॉज, तो 5 सालों में वॉज सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन एवर वी यूज अ पेयर ऑफ, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब, यदि किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन के साथ में पेयर पेयर ऑफ वर्ड आ जाता है, तो उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। जैसे अ पेयर ऑफ सीजर्स, अब सीजर्स प्लूरल होता है, बट अ पेयर ऑफ लग गया, इसलिए हमेशा क्या होगा, यू विल हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। अ पेयर ऑफ सॉक्स, सॉक्स के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, बट जब अ पेयर ऑफ वर्ड यूज हो जाएगा, तो यू विल यूज ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे you will learn, you will watch this video very carefully and you will learn all rules also. Okay students, now let us discuss some next rule also. कुछ और rules given हैं, उनके बारे में हम लोग discuss करते हैं। Okay students, if there will be given anyone, anybody, another, each, either, every, everybody, everything, neither, nobody, none, somebody, something and someone. Means if there will be given such type words, तो after these words always we should use of singular verb. हमेशा क्या करना होगा, हमें singular verb का ही use करना होगा if there will be given these words. जैसे either of the two girls is, means दो लड़कियों में से कोई एक, तो इज का यूज सिंगुलर। नाइदर ऑफ द टू मैन इज अ कारपेंटर, दोनों में से कोई भी कारपेंटर नहीं है, ठीक है, तो नाइदर आ गया, तो सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, एवरीबॉडी इज वेटिंग, हर पर्सन अलग अलग सेपरेट कर रहा है, तो किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पे इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है कि नन ऑफ हिज सन्स इज वर्किंग हियर, नन ऑफ हिज सन्स, उसके लड़कों में से कोई भी नहीं, तो किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। ओके,
नेक्स्ट रूल दिया है कि व्हेन आइदर आर एंड नाइदर नार आर यूज इन सेंटेंस विद सिंगुलर नाउंस आर प्रोनाउंस दे टेक सिंगुलर वर्ब। जब कभी आइदर आर नाइदर नार से दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो उसके बाद भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, जैसे नाइदर रीता नार सुमन इज अटेंडिंग द सेमिनार, आइदर माई फादर आर माई मदर इज अरेंजिंग फॉर माई ट्रिप। तो जब कभी टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आइदर आर नाइदर नार आर अदरवाइज से जुड़े होंगे तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। ओके स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस नेक्स्ट रूल। व्हेन नाइदर नार एंड आइदर आर यूज्ड विद प्लूरल नाउंस आर प्रोनाउंस दे गो विद प्लूरल वर्ब। मीन्स एक तुरंत रूल इसी का अपोजिट सुनिए, यदि आइदर आर नाइदर नार से कोई प्लूरल वर्ब जुड़े होंगे तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होगी, जैसे नाइदर द गर्ल्स नार द बॉयज हैव सबमिटेड, आइदर द चेयर्स आर द टेबल्स आर केप्ट। तो स्टूडेंट्स, ये सभी रूल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा, और यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।